नमस्कार, मैं रंजन सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। जिला बिजनौर के नगर चांदपुर में बिजनौर रोड स्थित देवी मंदिर परिसर में लगने वाले हर वर्ष की भांति भव्य मेले में पत्रकार प्रेस महासंघ की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए निशुल्क सिकंजी का प्रोग्राम किया गया, जिसके अंतर्गत पत्रकार प्रेस महासंघ के जिला अध्यक्ष विकास शर्मा के नेतृत्व में संगठन के सभी पदाधिकारी सदस्यों ने मंदिर परिसर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए निशुल्क शिकंजी का वितरण किया। बताया जाता है कि यह मंदिर ऐतिहासिक मंदिर है। यह महाभारत काल में भी कौरव पांडव द्वारा पूजा की जाती थी। इस मौके पर मेले एवं मंदिर परिसर में आने वाले श्रद्धालुओं ने निशुल्क शिकंजी का लाभ उठाया एवं पत्रकार प्रेस महासंघ की ओर से गंगा जमुना तहजीब को कायम रखते हुए इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। पत्रकार प्रेस महासंघ की ओर से निशुल्क शिकंजी वितरण के प्रोग्राम को देखते हुए मंदिर समिति ने पत्रकार प्रेस महासंघ का एवं सभी पदाधिकारी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। पत्रकार प्रेस महासंघ के पदाधिकारियों द्वारा खुद के खर्चे पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नींबू शिकंजी का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने नींबू शिकंजी का आनंद लिया। मंदिर परिसर में बहुत अधिक भीड़ देखने को मिली। इस अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने नींबू शिकंजी का आनंद लिया। इस मौके पर पत्रकार प्रेस महासंघ के जिला अध्यक्ष विकास शर्मा एवं सभी पदाधिकारी सदस्य मौजूद रहे। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ आफताब आलम। नाम मोहित कुमार। भाई साहब, ये जो आज नगर चांदपुर में देवी मंदिर पर मेला लगता है, क्या पूरा उद्देश्य है इसका? ये सर्ववर्ष पुराना मेला है। ये चैती आठिया मेला होता है और महाभारत काल चलता आ रहा है। यहाँ पर हजारों श्रद्धालु हर साल आकर अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अच्छा, जो श्रद्धालुओं से क्या को क्या संदेश देना चाहते हैं इस मौके पर? यहाँ पर आए, दर्शन करें और यहाँ गंदगी ना फैलाए। मंदिर प्रशासन उनका है, मंदिर कमेटी उनके लिए है। हमारी व्यवस्था में सहयोग बनाए और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस महासंघ की तरफ से देवी मंदिर पर एक निःशुल्क शिकंजी का कैंप लगाया गया है और हमारी व्यवस्था में सहायता कर रहे हैं। गंगा जमुना तहत में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और करता हूँ, भविष्य में ऐसा कार्य करते रहे वो। उनके मंदिर कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार प्रेस महासंघ की ओर से। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।